आज गुजरात के हमारे सम्मानित सीएम मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी का जन्मदिन है। आपके माध्यम से हम सब राजकोट वासियों और गुजरात वासियों की ओर से विजयभाई रूपाणी साहब को खूब खूब जन्मदिवस की शुभेच्छा और अभिनंदन देते हैं। विजयभाई के नेतृत्व में गुजरात और विकास की ऊँचाइयों सर करे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना से। विजयभाई का दीर्घायु और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ऐसी राम भगवान से और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हुए सब कार्यकर्ता और लोग आज आनंद में है कि हमारे सम्मानीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो विकास के लिए एक संवेदना के साथ मेहनत के साथ काम कर रहे गुजरात की जनता के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए, आदिवासी और युवा और महिला और सब किसान को लिए काम करे, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री है तो आज उसका आनंद है। और आपके माध्यम से फिर से माननीय विजयभाई रूपाणी को जन्मदिन की बधाई। आज हमारे सबके बीच में जिसने बहुत काम किया है और हम सबको जिसने तैयार किया, ऐसा गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय और राजकोट के पनौता पुत्र आदरणीय श्री विजयभाई रूपाणी का जन्मदिन है तो पूरे गुजरात में कार्यकर्ता में एक उत्साह है और उसका जन्मदिन मना रहा है। लेकिन सेवा बस्ती में जाके सेवा के कार्यक्रम से आज उसका जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजकोट भी आज पूरे उत्साह से सुबह से उसके 10 कार्यक्रम हमने रखे हैं। आज सबका 62वां जन्मदिन है तो 62 सुबह वृक्षारोपण किया है, सिविल हॉस्पिटल और जनना हॉस्पिटल में हमने फ्रूट वितरण किया है, अंधजन लोगों को हमने स्टिक दिया है, आज 62 महिलाओं को हमने उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस और सिलेंडर वो भी दिया है, और अभी वृद्धाश्रम में 12:30 बजे भोजन रहेगा। मंदबुद्धि के जो मेंटली रिटायर्ड बालकों हैं उसके साथ भी हम जाने वाले हैं, उसको भी आइसक्रीम खिलाने वाले हैं, और शाम को पूरी पार्टी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम मोर्चा, कॉरपोरेटर सब लोग साथ मिलके एमपी एमएलए से बूथ तक का कार्यकर्ता साथ मिलके आज महाआरती का कार्यक्रम पंचनाथ मंदिर में रखा है, जहाँ सबके दीर्घायुष्य के लिए हम सभी साथ में मिलके प्रार्थना करने वाले हैं। तो हम ये विजय भाई को आपकी माध्यम से हम बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजयभाई रूपाणी जी का आज जन्मदिन है। आज पूरे गुजरात में खुशी का माहौल है, और क्योंकि विजय भाई एक कॉमन मैन, सीएम मतलब कॉमन मैन की तरह वो काम करते हैं और कॉमन मैन के लिए काम करते हैं, तो और विजय भाई हमारे राजकोट के हैं तो हमें बहुत सब कार्यकर्ताओं में, राजकोट के लोगों में और पूरे गुजरात में आज पूरा खुशी का माहौल है। और आज का दिन हम सेवा दिन मनाते हैं। जैसे सुबह से ही ये कार्यक्रम सब चालू है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम था और हॉस्पिटल में जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें फ्रूट वितरण का कार्यक्रम था, और अंधजन अपंगजन उसकी सेवा का कार्यक्रम था। अभी थोड़ी देर पहले ही उज्ज्वला योजना का, जो गरीब लोगों को जो नरेंद्र भाई मोदी की जो योजना है, जो गैस की बोतल वो देने का कार्यक्रम था। तो आज सेवा दिन हम मना रहे हैं और परम कृपाणु परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि हमारे विजय भाई दीर्घायुष्य ऐसे ही गुजरात की सेवा करें, ऐसे ही हमारी विजय भाई रूपाणी जी को, हमारी राजकोट के सभी लोगों की खूब खूब शुभेच्छा है, शुभकामना है, धन्यवाद। विजय भाई ने राजकोट के लिए इतनी योजनाएँ दी है कि राजकोट को कई सालों के बाद विजय भाई जी ने राजकोट के लिए जो सबसे बड़ी उसने उसकी जो भेंट है राजकोट के लिए, वो पानी का, जो राजकोट में बहुत दिक्कत थी, कई सालों से दिक्कत थी, उसने जो सौ की योजना से हमारा पानी का डैम भर दिया। तो आज राजकोट में पानी का जो शॉर्टेज था वो एकदम पूरा हो गया, और कहीं नया बस स्टॉप है, एयरपोर्ट है, सिविल हॉस्पिटल में नहीं हॉस्पिटल है, अहमदाबाद राजकोट 6 लेन हाईवे है, ऐसी कई योजनाएं, आवास योजना है, नया अटल सरोवर बन रहा है, रेसकोर्स अमृतम कार्ड की योजना है। विजय भाई ने राजकोट के लिए खूब बहुत ही काम किया है, और जैसे गुजरात का पूरा अच्छा काम कर रहा है, ऐसे राजकोट में भी बहुत अच्छा काम किया है।